लगा अर्चना को कि भाई तुम कर लो सौंदर्या से एक बार फिर से सुलह। क्या हिदायत दी है सुम्बुल ने अर्चना को, चलिए आप लोगों को बताते हैं घर के अंदर की ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चे वाली चीजें जो है बिग बॉस दिखाते हैं और बच्चे वाली हरकतें जो है करती हुई सुम्बुल बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, इसीलिए जनता जो है उनको बहुत ज्यादा प्यार करती है। पर यहाँ पर सुम्बुल बहुत ही सेंसिबल बातें जो है करती हुई नजर आती है। मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजों को भी दिखाया जाए, पता चले जनता को कि सुम्बुल कितनी ज्यादा समझदार है और रिश्तों को कितना अच्छे से समझती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अर्चना और सौंदर्या जो है बहुत अच्छे दोस्त है, वो रोने भी लग गए हैं कि आपस में वो बात नहीं कर रही, पर कहीं ना कहीं जो है सौंदर्या बहुत अच्छी है और ये बात जो है सुम्बुल को अपनी कैप्टेंसी में पता चल गई है सौंदर्या से बात करके। अर्चना और सुम्बुल और काफी सारे लोग वहां पर बैठे हैं जो बातें कर रहे हैं, जहां पर अर्चना बोलती है कि भाई मुझे सौंदर्या से बात करनी है, अभी हमें टाइम नहीं मिला है कि मैं डिस्कशन कर लूंगी उसके साथ, डिस्कस कर लूंगी कि क्या क्या सब चीजें हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारी दोस्ती जो है वो खत्म हो चुकी है, अभी भी हमारी दोस्ती ऐसी ही है। जहां पर सुम्बुल ये बात सुनने के बाद बोलती है कि ज्यादा देरी मत करना, अगर बात करनी है तो जल्द से जल्द बात कर लो, टाइम निकालो और आपस में बैठो और सब जो है जो गिले शिकवे है उसको खत्म करो, क्योंकि मुझे पता है कि सौंदर्या काफी अच्छी लड़की है, मुझे किसी और का नहीं पता पर मुझे सौंदर्या का पता है, काफी अच्छी लड़की है, काफी अच्छी बातें करती है और काफी सेंसिबल बातें करती है, तो तुम उससे बात करो, समझो क्या हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। तो ये बातें जो है सुम्बुल बोलती हुई अर्चना के सामने नजर आई और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हिदायत दी है। ये समझदारी की बातें भी बिग बॉस को दिखानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर सुम्बुल मस्ती कर रही है तो पूछ ले भाई स्कूल में कब आपने पास आउट किया है, कौन सी क्लास में है आप। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।